जय भोजपुरी रोवालोक से गुनी होरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और एक घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्राम भोजपुरिया जहान आप सबके बीच में लेके हाजिर बने आज के नया खबर। जी हाँ भैया, आज के नया खबर में आप सबके भोजपुरी के छोट से छोट बड़ से बड़ खबर जाने के मिली, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखा जा जिसमें आप सबके भोजपुरी के हर खबर देखे के मिली। कहे की बहुत बढ़िया बढ़िया खबर लास्ट में भी बांटे, बहुत बढ़िया बढ़िया खबर शुरू में भी बांटे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखा जा। तो देर कोना बात के चली शुरू कर जाओ खबर के सिलसिला, लेकिन एगो आप लोग से रिक्वेस्ट बा के सब्सक्राइब बटन दबैला के बाद घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले कोनो भी भोजपुरी खबर पा सकत नहीं। भोजपुरिया दबंग खेसारी लाल यादव जी के आजकल दबदबा चल रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी हाँ भैया, एक से बढ़ एक कारनामा कर रहा बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक उनका स्टेज शो जॉन की यूट्यूब पे सबसे बड़ा स्टेज शो बन गिल बा खेसारी लाल यादव जी के। 50 मिलियन व्यू क्रॉस कर गिल बा सरसों के सगिया टाइटल से खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे डालो गिरे सरसों के सगिया खेसारी लाल और काजल रघवानी के। ये स्टेज शो बहुत ही धमाकेदार और सुपर हिट पाटे और ये स्टेज शो 50 मिलियन व्यू क्रॉस कर गिल बा यूट्यूब पे। 2018 के सबसे बड़ हिट गाना पलंगिया सोने ना दिया के वीडियो 60 मिलियन व्यू यूट्यूब पे क्रॉस कर गिल बा मात्र 3 महीना के अंदर। जी हाँ भैया, वांटेड फिल्म के सुपर डुपर हिट गाना और इस साल के सुपर डुपर हिट गाना जॉन के गाना गली से लेकर हर मोहल्ला तक यूट्यूब से लेके हर लोग के मोबाइल में हर बाजार में गाना बाजल, बहुत लोकप्रिय गाना भइल और गाना के काफी चर्चा भी भइल। जॉन के 60 मिलियन व्यू क्रॉस कर गिल बा 3 महीना के अंतराल में। गाना पवन सिंह और इंदु सोनाली के मधुर आवाज में सजल बा और गाना में वीडियो में नजर बड़े पवन सिंह जी मणि भट्टाचार्य के साथ। अब तक आप खेसारी लाल यादव जी के कई गो देवी गीत 2018 सुन लेंगे जा, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के विदाई गीत भी आ चुकल बा। जी भैया, वीनस भोजपुरी पे 9 दिन खातिर काहे आवे लुए माई विदाई गीत खेसारी लाल यादव जी के आ चुकल बा। ऑडियो आप लोग जरूर सुनी जाओ गाना के और बताई जा नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लागल कैसे 9 दिन खातिर काहे आवे लुए माई खेसारी लाल यादव जी के मधुर आवाज में सजल बाई विदाई गीत। सूत्रों से जानकारी मिलल बा के बहुत जल्द पवन सिंह के देवी गीत आप लोग के सुने के मिली। जी हाँ भैया, सबके देवी गीत आ चुकल बा, लेकिन पवन सिंह जी अक्सर लेट करके ही लेवेले नजदीक काफी, जब हो जाला ऊपर अब तभी उनका देवी गीत आवेला। आप लोग बतावे जा रहा मानी सूत्रों से जानकारी मिलल बा के 7 तारीख के देवी गीत के पोस्टर रिलीज हुई और 10 तारीख के 2 गो देवी गीत पवन सिंह के रिलीज हुई। जी हाँ भैया, 7 तारीख के पोस्टर और 10 तारीख के उनका गाना आप लोग के सुने के मिली यूट्यूब पे। भोजपुरी के अपकमिंग स्टार और भोजपुरी के सुपर स्टार गायक रितेश पांडे के एगो नया देवी गीत वेब म्यूजिक पे रिलीज हो चुका है, आप लोग जरूर सुनी जा। जोन स्क्रीन पर फोटो चल रहा आप देख रहे बानी, यह देवी गीत है और देवी गीत के नाम बा जय बोला माई काली के। जी हाँ भैया, जय बोला माई काली के डीजे वाला स्पेशल सॉन्ग ही बाटे रितेश पांडे के मधुर आवाज में सजल बा, आप लोग जरूर सुनी जा, जल्द से जल्द सुनी जा, वेब म्यूजिक पे डाल दिहल गिल बा। भोजपुरिया सहनसा रवि किशन के फिल्म संकी दरोगा जॉन गुंगर खुद के प्रोडक्शन हाउस से बनल भी है फिल्म। ये फिल्म जॉन आप लोग के बीच में 5 अक्टूबर यानी काल से आनंद मंदिर सिनेमाघर वाराणसी और जगत सिनेमाघर अमीनाबाद लखनऊ में यानी यूपी में काल से रिलीज होके जा रहा भी है। 2 गो सिनेमाघर के जानकारी मिलल बाटे। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी एल्बम के सुपर हिट हीरोइन चांदनी सिंह के जोड़ी आप सबके देखे के मिली देवी गीत 2018 सॉन्ग में। जी हाँ भैया, निरहुआ जी के आ रहल बा 2 गो देवी गीत आप लोग के बीच में। वीडियो एगो के ऑडियो शायद आ चुकल बा आदि शक्ति फिल्म पे जौना गाना के नाम बाटे ओढ़ोला बना ले तू माई। जी हाँ भैया, और भी एगो गाना आवे वाला बा और ये दोनों गाना के वीडियो के शूट भी हो चुकल बा। चांदनी सिंह नजर रही निरहुआ जी के देवी गीत 2018 में। भोजपुरी एल्बम दुनिया का नंबर 1 गाना जौना गाना के नाम रहे पियावा से पहले हमार रहलू रितेश पांडे के जिंदगी के नंबर 1 गाना और रितेश पांडे के अतना पब्लिसिटी दिलावे वाला गाना पियावा से पहले हमार रहलू, वो गाना कॉपीराइट क्लेम के चलते यूट्यूब से हट चुकल बा। वेब म्यूजिक पे आप लोग के वो गाना नहीं देखे के मिली और का एकर कारण बाटे अभी पूरा जानकारी नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द आप सबके बीच में भोजपुरी फैंस क्लब हाजिर हुई है जानकारी के लेके। लेकिन आप लोग इतना बतावल चाहता नहीं कि 126 मिलियन प्लस अगर व्यू रहे बहुत बड़ हिट ही गाना रहे। रितेश पांडे ही ना बल्कि भोजपुरी में भी एक अपना अलग ही पहचान बना दिलस ये गाना, ऐसा मैटर की गाना रहे कि हर आदमी सुने पे मजबूर भइल और कितना लोग ये गाना के खिलाफ भी रहे और कितना लोग ये गाना के पसंद भी कइल। जौन की अब यूट्यूब पे नहीं आप लोग ना सुने के मिली, जौन ओकर ऑफिशियल गाना रहे वेब म्यूजिक पे अब वो गाना आप लोग के ना देखे के मिली। शायद हो सके आप लोग के दुआ काम आवे तो बहुत जल्द भी आप लोग को गाना देखे के मिल।
पावर स्टार पवन सिंह के साथ एंट्री करे चार पहलवी एल्बम दुनिया के सुपर हिट अदाकारा चांदनी सिंह। जी हाँ भैया, शपथ फिल्म में आप लोग नजर आयन पवन सिंह के साथ चांदनी सिंह जी। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर जोना के चर्चा बहुत ज्यादा आप लोग सुनिए। फिल्म के सिर्फ पब्लिक में ही ना, सिनेमा घर में ही ना, बल्कि विवाद में भी बहुत ज्यादा चर्चा भइल। जी भैया, आप लोग बतावल चाहता नहीं, बॉर्डर फिल्म यूट्यूब पे रिलीज भइल और 5 दिन के अंतराल में 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर गई भैया। जी हाँ भैया, 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर, बहुत बड़ बात हो रहा है फिल्म खातिर यूट्यूब पे। इसे देखे रहल बा के भोजपुरी दर्शक बढ़त जा रहल बड़े और अच्छा अच्छा फिल्म के पसंद कर जा रहल बड़े। भोजपुरी में बहुत ही बदलाव देखे के मिल रहा और भोजपुरिया दर्शक नया नया फिल्मन के सपोर्ट करत आ रहे, अच्छा अच्छा फिल्मन के सपोर्ट कर रहा बड़े। वही सिलसिला में बॉर्डर फिल्म जोन की एगो बहुत ही देशभक्ति फिल्म रहे और ये फिल्म एगो रिकॉर्ड बना दिले बा 5 दिन में 10 मिलियन व्यू क्रॉस करके। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के पावर स्टार कहल जाला पवन सिंह के, और पवन सिंह आप सब दर्शक खातिर एगो संदेश दे रहा बड़े ये फोटो के माध्यम से। आप लोग ये फोटो देख रहा बनी जे में पवन सिंह जी देख रहा बड़े और उनका साथ है और भी लोग बाटे, लेकिन ये फोटो में कुछ खास नजर आ रहा बा। खास नजर ये आ रहा बा कि पवन सिंह के हाथ में बाटे झाड़ू और भी सब लोग के हाथ में बाटे झाड़ू। जी हाँ भैया, पवन सिंह जी स्वच्छता अभियान के तहत अपन टीम के साथ साफ सुथरा कर रहा बड़े। जी हाँ भैया, झाड़ू लगा रहा बड़े और अपना दर्शक लोग के अपन भोजपुरिया समाज के संदेश दे रहा बड़े कि आप लोग अपना आसपास में साफ सुथरा रखी जा। कहे के काल रहे 2 अक्टूबर जौना दिने गांधी जी के जयंती मनावल जाला और यही शुभ अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान शुरू कल गिरे। ओकरे तहत आप लोग के पता बा के पवन सिंह जी भी भाजपा के सदस्य होन और भाजपा के सदस्य होखला के नाते और एगो भारतीय नागरिक होखला के नाते अपना देश और अपना समाज के साफ सुथरा रखे खातिर पवन सिंह जी हाथ में झाड़ू उठा के सफाई कैले और अपना भोजपुरिया समाज के संदेश दिले कि आप लोग भी अपना आसपास सिर्फ घर में ही ना, घर के बाहर जहां रहे नहीं जा, जहां खेले नहीं जा, जहां उठे नहीं जा, जहां बैठे नहीं जा, हर जगह साफ सुथरा रखी जाए ताकि हमने के देश स्वच्छ बने। जी भैया, पवन सिंह के इस संदेश वाले फोटो के माध्यम से और काफी लोग ये फोटो देख के नीचे कमेंट्स बॉक्स में पवन सिंह के काफी ज्यादा तारीफ करत रहे। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जाए कि आप लोग के कार आए बा और पवन सिंह के ये अंदाज आप लोग के कितना पसंद आये बा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। भोजपुरी के सुपर स्टार अदाकारा और भोजपुरी के उभरत स्टार सिंगर अक्षरा सिंह से। जी हाँ भैया, आप लोग बतावे जा रहा बानी 2018 में अक्षरा सिंह के धमाका होके जा रहा बा देवी गीत 2018 जौना गाना का नाम बाटे अम्बे महारानी की जय हो। जी हाँ भैया, अम्बे महारानी की जय हो जौन की आप सबके बीच में बहुत जल्द वे म्यूजिक में सुने के मिली। गाना अक्षरा सिंह 2018 में देवी जी के गाना समर्पित कैले बाड़ी, मैया जी के गाना समर्पित कैले बाड़ी और आप सबके बीच में बहुत जल्दी सुने के मिली अक्षरा जी के मधुर आवाज में सजल ई गाना। तो आप लोग के कैसा लगा ले गाना के टाइटल और पोस्टर जरूर ही नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। लाइक मैया बन जाए तू काली हो एगो गाना आ रहा बा खेसारी लाल यादव जी के देवी गीत 2018 की नया गाना हटे मैया बन जेतु काली हो। जौन गाना आप लोग के बहुत जल्द संजीवनी कंपनी के यूट्यूब चैनल पर देखे के मिली। जी हाँ भैया, संजीवनी भोजपुरी करके यूट्यूब चैनल बाटे संजीवनी कंपनी के, वही चैनल पे आप लोग के बहुत जल्द खेसारी लाल यादव जी के मधुर आवाज में सजल मैया बन जेतु काली हो गाना आप लोग के सुने के मिली। गीतकार बाड़े प्यारे लाल यादव और आजाद सिंह जी, संगीत दिले बाड़े आशीष वर्मा जी, संयोजक बाड़े सुनील पांडे जी और ये गाना के नाम से लाग रहा बा काफी अच्छा गाना हुई और एमे खेसारी लाल यादव जी मैया से जरूर कुछ गुहार करत हुई कुछ सामाजिक चीज के लेके, जौन भी गलत काम हो रहा बा चाहे कुछ भी ऐसा असामाजिक काम हो रहा बा जौना से काली जी के गुहार कर रहा बड़े। कहे कि काली अवतार तभी होला भैया जब पाप के नाश करे खोला अंत करे खोखेला और ये गाना ऐसने कुछ लाग रहा बा। आप लोग के कैसा लागल है गाना के टाइटल और ये गाना आ रहा बा आप सबके बीच में बहुत जल्द संजीवनी म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग सुने खाती कितना बेकरार बानी जा नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। लाइक गांधी जयंती के मौका पे आप सबके बहुत बहुत शुभकामना देले वालों। जी भैया, आप लोग देख रहे बानी स्क्रीन पे चल रहा बा फोटो जौना में खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह के फोटो नजर आ रहा बा जौना में लिखल बा हमने के देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के काल 2 अक्टूबर के जयंती पर खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह जी अपना दर्शक लोग के शुभकामना देले वालों और भी कई गो स्टार लोग देले वालों गांधी जयंती पे आप लोग के शुभकामना। तो आप लोग के कैसा लागल और आप लोग भी का कहल चाहत खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह जी के आजकल कहे कि कोनो भी समाज
सामाजिक एक्टिविटी होता, कोनो भी पर्व होता, कोनो भी जयंती होता नेता के, चाहे केहू के भी, हर मौका पर खेसारी लाल होकर, चाहे पवन जी होकर, चाहे भोजपुरी के कोनो भी कलाकार होकर लोग दर्शक के शुभकामना और बधाई दे रहल बा। लोग इसे लाग रहल बा हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ रहल बा और भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत कुछ बदलाव देखे के मिल रहा। आप लोग का कहना बा रिपोर्ट के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और एक घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा।